है ना? जी, आप ठीक हो जाए मैं आऊंगी। मैं तुम्हें रोकना तो चाहती हूँ, आपी? बोलो। आपी, आप दानियाल भाई से दोस्ती कर लेना, छोड़ देना है राज के। वो बहुत अच्छे हैं। जब आपके इनसे लड़ाई नहीं हुई थी तो कितना ख्याल रखते थे हमारा, बाहर ले जाते थे, घुमाते फिराते थे। सब हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। मेरी बर्थडे आ रही है तो मैं इनवाइट कर लूंगी उनको, और वैसे भी हम घर पे थोड़ी सेलिब्रेट करेंगे मेरी बर्थडे। बाहर जाएंगे, खूब घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, ढेर सारा खाना खाएंगे। तुम्हारी तबीयत कैसी हो? ठीक है। हाँ, वो अम्मी आ रही। कर ली तुमने अपनी जिद पूरी? आप ही, आप अम्मी को कुछ नहीं कहेंगे? कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम उनके साथ कहीं बाहर नहीं जाओगे। मगर आप ही, हाँ ना, आप बहुत सख्ती करने लग गई है। बाहर नहीं जाना, राफेल से बात नहीं करनी, अम्मी के साथ शॉपिंग पे नहीं जाना। तुम्हारी उम्र ही सख्ती वाली है। जाओ, मेरा फोन बज रहा है, ले आओ। बहुत सवाल जवाब करने लगी है जोया। थैंक यू। तायमी का बहाना करके क्यों फोन किया तुमने मुझे? हानिया, मैंने अम्मी का बहाना नहीं किया। तुम एक बार अम्मी से खुद ही बात कर लो, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि मैंने कॉल उनके इसरार करने पर की थी। ये बात करो। मुझे पता है तायमी भी मुझसे क्या कहेंगी। नहीं, मैं वो नहीं कहूंगी हानिया, जो तुम सोच रहे। तायमी बहुत जिद की, तब जाके दानियाल ने तुम्हारा नंबर मिला। आपकी आवाज, आपकी तबीयत कैसी है? वैसी है जैसे तुम देखी गई थी। आनिया, मुझे तुमसे कुछ कहना। कहिए। आनिया मेरी कोई बेटी नहीं है। अगर मैं मर जाऊं तो मेरा हौसला कफन दफन तुम करना बेटा। तायमी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे। अब यकीन आ गया कि कॉल मैंने नहीं की थी। तायमी इतनी मायूस है, उनकी मायूसी की वजह भी तुम हो। हानिया, ठीक कह रही हूँ मैं? इस बुढ़ापे में वो जुदाई बर्दाश्त कर रही है अपने शोहर की, अपने घर की। कितने संगदिल इंसान हो तुम दानियाल, बेहिस हो तुम, बेहिस बेटे।